देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होता है, उनका स्वार्थ है क्योंकि उनके पास आज सब कुछ मिल गया है उनको। एक तो वो सवर्ण की महिला है, ठीक है। दूसरी चीज वो ये नहीं समझ पा रही है कि उनके उनके ग्रंथों ने उन्हें वो अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब की वजह से उनको अधिकार मिले हैं, जबकि उनके ग्रंथों में तो महिलाओं को जो है आप उस स्थिति में जैसे कि मतलब महिलाएं का जो पीरियड्स होता है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते। अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो हमारे भी भाई है, आपकी श्रद्धा उधर है, हमारी श्रद्धा इधर है, तो हमारी भी भावनाएं आहत होती है। आप हमारे महापुरुषों की हमेशा मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, हमें जो हरिजन कहते हैं, हम तो कहते हैं हरिजन, आप कहते हैं हमको, तो आप किसकी औलाद हैं? आप अपने वो कर लीजिए, आप बाबा साहब की बेटी, बाबा साहब को आप अपनी बेटी दे देते हैं, हमारे महापुरुषों को अपनी बेटी दे देते हैं, तो आप कहाँ की आप अपने आप को नापिए कि हम कौन किसकी औलाद। उस अम्बेडकरी आंदोलन में हमने सरकारों को बैकफुट पर लाने में हम कामयाब हुए थे, और अब आप ये नया मामला छेड़कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? पहले हमारी लक्ष्य कमांडरों से निपट लें, हमारे जैसे भाइयों का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली ये लोग ट्राई करते हैं जी, देखिए कि हमारा समाज किस स्तर तक जागा हुआ है जी। तो मैं आपको मनवा दूं, जितने भी लोग हैं ये अगर ये जानना चाहते हैं तो आपने SC ST OBC का जो SC ST जो एक्ट था उसको खत्म करने की कोशिश की, और आपने हमारा जनबल देख भी लिया है, इसलिए सतर्क हो जाइए। अगर आपने इस बार किसी भी तरीके से छेड़खानी की तो आज हम भी गोली बंदूक लेके तैयार बैठे हुए हैं। आपके पास ही जनबल नहीं, हमारे पास साहस भी है, दो बरेल के अलावा सबीरपुर भी देखा है जी बिल्कुल। तो किसी तरीके से आप एक्चुअली ये ट्राई करते हैं कि देखते हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो ये करेंगे क्या, ये लोग किस स्तर तक सड़कों में जा सकते हैं। तो हम लोग हर हद को पार कर सकते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि जब महिला एक जागती है तो महिला के साथ साथ एक पूरा परिवार जागता है, पूरा समाज जागता है, और हमने बेड़ा उठा लिया है, हमारा परिवार जाग ही चुका है। और रही बात समाज की, तो समाज को जगाने का हम सभी महिलाओं ने बीड़ा उठाया। अच्छा एक बात बताइए, एक ब्राह्मण समाज की है और ब्राह्मण समाज में उच्च कुल की महिला है जी, दीपिका पादुकोण जी, जो भगवा कलर के कपड़े पहनकर डांस कर रही है, लेकिन ये भक्त अपनी बहन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उसकी बहन के यार जी, जो साथ में डांस करा, हम यार ही बोलेंगे, संज्ञा तो यार की आएगी, साथ ही साथ तो है नहीं वो फिल्म में उसके साथ में, तो उसका एक बॉयफ्रेंड उसके साथ डांस कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है तो उसको टारगेट किया जा रहा है, अपनी बहन को कुछ नहीं करे। रीजन वो ये टारगेट कर रहे हैं इसलिए कि वो देखना चाहते हैं आप कहाँ तक, आपका लेवल, ये आपका लेवल कहाँ तक है, किस स्तर तक आपका लेवल बढ़ा हुआ है कि वो उनकी आप उनकी बातों में आते हैं, या आपके भी दिमाग है, आप अपना दिमाग लगाते हैं। उनको एक मुद्दा चाहिए जो अपना अपनी चीजों से हटाकर कोई दूसरा मुद्दा लेके, ताकि आप उसी में भटके रहें और मेन जो मुद्दे हैं उन पे आप ध्यान ना दें। तो रही बात, उनको तो एक टारगेट चाहिए उनका, देखिए मुस्लिम कभी जो है उनका टारगेट नहीं रहा, उनका टारगेट हमेशा SC ST OBC रहा है। और रही बात अगर ये मुस्लिम की बात करते हैं तो आप एक लिस्ट उठा के देखिए कितने ब्राह्मणों के जो रिश्ते, जितने दामाद हैं ना सब ब्राह्मण हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब ब्राह्मण हैं। अगर आप जागरूक है, आजकल कोई भी जानकारी लेना असंभव नहीं, आप गूगल पे सर्च करिए और देखिए कि जो जितने जो हिंदू बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के दामाद सारे जी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो मोहन भागवत जी हैं जो RSS के मेन हैं, उनकी भतीजी का जो जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है। आप गौरी खान जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणी है, तो इनके बारे में, शाहरुख खान की बीबी जो ब्राह्मण है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे ब्राह्मण लोग जो शाहरुख खान को टारगेट बना के रखे हुए हैं, तो गौरी खान के बारे में क्या कहेंगे, वो तो ब्राह्मण है कैसे। अरे देखिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को भी परोस सकते वो हैं, कह रहे हमें, और सदियों से वो परोसते आ रहे हैं, वो कह रहे हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदुत्व खतरे में। देखिए हिंदुत्व तो है, तो फिर आर्य समाज क्या है, ब्राह्मण समाज क्या है, आप एक बताइए ना, आप ब्राह्मण है ये बताइए, या आप कहते हैं आर्य समाज, सनातनी बताते हैं आपका एक क्या। देखिए बौद्धिस्ट अपने आप को बौद्ध कहता है ना, जैन अपने आप को जैनिज्म कहता है, जैन कहता है, और मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कहता है। आप कहते हैं हम हिंदू हैं, आप कहते हैं हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम आर्य हैं, आपको खुद ही नहीं पता आप हैं क्या, तो आप समझ लीजिए आप क्या हैं, आप किसके संतानें होंगी, किसकी संतानें होंगे। और आपको मैडम भावनाएं आहत हो जाएंगी, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। अरे बिल्कुल, भावनाएं हमारी भी आहत होती हैं, भावनाएं आपकी अगर आहत होती हैं तो आप इस तरीके से बात करते हैं, आपकी भावनाएं नहीं, भावनाएं हमारी भी हैं, तो इसलिए हमारी भी भावनाओं का ध्यान रखिए,
और जब आप हमारी भावनाओं का ध्यान रखेंगे तभी हम आपका ध्यान रख पाएंगे। अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो हमारे भी भाई आपकी श्रद्धा उधर है, हमारी श्रद्धा इधर है, तो हमारी भी भावनाएं आहत होती है। आप हमारे महापुरुषों के हमेशा मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, हमें जो हरिजन कहते हैं, हम तो कहते हैं हरिजन, आप कहते हैं हमको, तो आप किसकी औलाद हैं? आप अपने वो कर लीजिए, आप बाबा साहब की बेटी, बाबा साहब को आप अपनी बेटी दे देते हैं, हमारे महापुरुषों को अपनी बेटी दे देते हैं, तो आप कहाँ की आप अपने आप को नापिए कि हम किसकी औलाद। अच्छा, बहुत अच्छा आप बोल रही है, हमें ये बताइए जब आदमी मर जाता है तभी राम नाम सत्य बोलते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई शादी होती है, तब राम नाम सत्य क्यों नहीं होते? क्या राम नाम असत्य हो जाते हैं? देखिए वो एक आध्यात्मिक, उस समय देखिए ये राम तो एक काल्पनिक कथा है ना, काल्पनिक चीजों को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों को, और फिर हमारे लोगों की तीन चीजें छीनी, जैसे शिक्षा का अधिकार छीना, हथियार छीना, है ना, कि मतलब एक बलि जो राजा थे उनका ये कह दिया कि आप ये नहीं करेंगे, आप हथियार नहीं रख सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप धन नहीं, तीन ही मेन होती हैं। जब तीनों चीजें छीन ली गई तो उसका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर या सामाजिक स्तर क्या रह गया होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। उनके लोग आपने देखा होगा लंबे चौड़े और बढ़िया होते क्योंकि वो खा पी रहे हैं, हमारे समाज से सदियों से उनका खाने तक का अधिकार नहीं दिया गया तो उनका सामाजिक स्तर कैसे बढ़ेगा, उनसे शिक्षा जो ले ली गई तो उनका मानसिक स्तर कैसे बढ़ेगा? भाई मानसिक एक जैसे हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है वैसे हमारे मानसिक को शिक्षा की जरूरत होती है, उसी से विकास होता है। तो और फिर हथियार छीन लिए गए तो वो लड़ेगा कैसे? तो तीनों जो मेन चीजें हैं वो तो छीन ही ली गई, किसी ना किसी तरीके से उनका एक ही फंडा होता है। अच्छा, मुकाबला कैसे करोगे, उनका मुकाबला कैसे करोगे? आर्थिक संसाधनों में हमसे आगे हैं, प्रचार प्रसार में हमसे आगे हैं, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास है, आपके पास क्या है? सर आज है उनके पास मीडिया ना, उस समय जब 500 महारों ने जब जिस तरीके से कोरे गाँव में जो किया था उस समय मीडिया कहाँ थी भाई? उस समय भी कुछ नहीं था, उस समय हमारा तो और भी ज्यादा हमारी स्थिति क्या थी कि बगल में हांडी टंगी, गले में हांडी होती थी, पीछे झाड़ू होता था। आज तो हमारे पास संसाधन है, हमारी अपनी मीडिया है, हमारी माउथ मीडिया है, हम मीडिया खुद हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। उसके बावजूद इतनी मेहनत करनी पड़ी है, लोग इकट्ठा नहीं हो रहे? बिल्कुल सर होंगे, देखिए एक होता है ना, एक अति होती है किसी चीज़ की, जब तक हमारे लोगों को एक्चुअली जानकारी नहीं है, उनका उनकी गलती नहीं है, हमारे लोगों को उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं हर चीज में अपनी चीजों को घालमेल कर देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया, बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से नष्ट किया उन्होंने, और नष्ट करने के बाद अपनी चीजों को उसमें घालमेल किया। भाई इतिहास रचने वाले वही है, मीडिया उनकी है, हर चीज वो अपने स्तर उन्हीं के हैं, तो हमारे लोग कैसे जानेंगे? अगर मान्यवर काशीराम साहब ना होते तो हम शायद आज बाबा साहब को भी नहीं जान रहे होते, क्योंकि दोबारा अगर जन्म बाबा साहब का हुआ तो मान्यवर काशीराम साहब की वजह से हुआ, उनकी वजह से हम अपने महापुरुषों को जान पाए हैं। तो उनका तो सदियों से फंडा रहा है कि इनके इतिहास को खत्म करो, और बाबा साहब ने भी कहा था अगर आपका इतिहास, किसी व्यक्ति को अगर आपको खत्म करना तो उसका इतिहास खत्म कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको अपना इतिहास ही नहीं पता है। महिलाओं को अपना इतिहास नहीं पता है, खासकर बहुजन समाज की महिला तो जाग रही है, लेकिन स्वर्ण समाज की महिलाओं में कहीं ना कहीं अभी तक भी ये जागृति नहीं आई कि उनका उद्धारक कौन है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप अरुंधति राय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी एक ब्राह्मण थी जो एक कहते हैं महिलाएं जो जागरूक हैं, जो पढ़ी लिखी समाज की महिलाएं हैं, जो बाहर निकल समझ रही हैं चीज को, तो वो जानती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज की, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होता है, उनका स्वार्थ है क्योंकि उनके पास आज सब कुछ मिल गया है उनको। एक तो वो सवर्ण की महिला है, ठीक है, दूसरी चीज वो ये नहीं समझ पा रही है कि उनके उनके ग्रंथों ने उन्हें वो अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब की वजह से उनको अधिकार मिले हैं, जबकि उनके ग्रंथों में तो महिलाओं को जो है आप उस स्थिति में जैसे कि मतलब महिलाएं का जो पीरियड्स होता है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो इसी से एक्चुअली तर्क की बात है ना, वो अपना दिमाग नहीं लगाती, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज को काट नहीं सकते। और उनका कहना भी यही है कि मतलब धर्म में कोई तर्क नहीं होता है, आप तर्क नहीं कर सकते हैं, धर्म को तो आंख बंद करके मानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके, तो हमारे महापुरुषों ने जो हमें शिक्षा दी है हम तो तर्क करेंगे, और रही बात उनकी तो हमें अपने अपने लोगों को जगाने की जरूरत है, और जब हमारे लोग जाग जाएंगे उनकी महिलाएं क्या करती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने समाज को जगाना है, हमारे अपने बच्चों को जगाना है, हमें अपनी महिला समाज को महिलाओं को जगाना है। धन्यवाद, बड़ा करारा बोलती है, पहले क्यों नहीं मिली? वही तो